हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्स रैग्नारोक गेमर। आप सबका स्वागत है एक और गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम लोग नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कैजुअल और ब्रूटल का, और इसमें ब्रूटल में 450 लेवल तक डायनो आ सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, फिर चलते हैं गेम के अंदर। तो चाहिए मेल, और थोड़ा सा बना लेता हूँ कैरेक्टर जिससे दिखने बड़ा अच्छा लगे ना। इसे नॉर्मल करता हूँ और ये हो गया। ओके, तो ये हो गया है, थोड़ा कम करो इसको। अब चलते हैं चेस्ट पे। तो पहले नेक है, तो नेक को ये ठीक है, और लेंथ ये नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे ये ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हेयर के लिए हम कुछ चाहिए प्राइमल पास, तो मैं नॉर्मली रखूँगा क्योंकि मेरे पास प्राइमल पास है नहीं। और इस वाह फिर चेंज हो गया। फेस हेयर के लिए भी प्राइमल पास चाहिए, तो मेरे पास प्राइमल पास है नहीं अभी, तो नॉर्मल लग के गेम में इंट्री करते हैं। चलता हूँ मैं हिडन लेक पे, और वहीं पे थोड़ा छोटा सा अपना बेस बनाऊँगा, फिर देखूँगा जहाँ पे अच्छा लगेगा तो वहाँ पे मैं अपने लिए बेस बनाऊँगा, और उसी के रिकॉर्डिंग मैं इस सीरीज़ का नाम कहूँगा। तो हम लोग आ चुके हैं ग्रिफिन माउंटेन। वॉट, ये ग्रिफिन माउंटेन ही है, और यहाँ ये ब्रूटल है, और ब्रूटल मतलब 450 लेवल तक डायनो आ सकते हैं। और यहाँ पे भर भर के डायनो पड़े हुए हैं जो हमारे खून के प्यासे हैं। तो पहले मैं अपने लिए पिकेस बनाता हूँ और भाग के जाता हूँ हिडन लेक की साइड, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना ना रहना है ना बेस बनाना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रीचर हैं जो मुझे मार सकते हैं, और मेरा लेवल है 1, और मैं यहाँ पे अभी ये एकदम ना के बराबर हूँ। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऊँट फार्म कर लेता हूँ, फिर भाग के जाता हूँ हिडन लेक की साइड। ये दोनों ट्री काट लेता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ रुका तो फिर मेरा सर्वाइव करना मुश्किल है। चलते हैं। ओके, मैं पहुँच गया हूँ हिडन लेक की साइड। मैं एक बार मर चुका था, रैप्टर मार दिया था, अराउंड 200 प्लस का था रैप्टर, तो उसने मुझे मार दिया। मैं वापस रिस्पॉन किया तो वापस वहीं पे गया, मैं फिर भाग के आया, रैप्टर फिर पीछे पड़ा, पर मैं बच गया और पानी में जंप कर दिया था। तो मैं पहले वो कर लेता हूँ, फार्म कर लेता हूँ वुड थैच और फाइबर, जिससे कि मेरा थोड़ा लेवल अप भी हो जाए और अपने पास सामान भी हो जाए। तो यहाँ पे ये ले लेता हूँ, और यहाँ पे अपना पहले इंग्राम ओपन कर लेता हूँ, सॉरी बेरी खा लेता हूँ, जिससे कि मेरा थोड़ा बहुत लेवल अप हो जाएगा और ये मेरा इंग्राम ओपन हो जाएगा। तो बेरी खाने के लिए बोल रहा है। ओके, अब ड्रिंक वाटर, डन। अब क्या करना है? ओके, तो कैंप फायर के लिए बोल रहा है, तो कैंप फायर के पहले ओपन तो करूँ, पहले मेन मेन ओपन करूँगा, जो फालतू की चीज़ है उसे ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि तो बेवजह इंग्राम पॉइंट बेकार होंगे, ख़राब होंगे, ख़त्म होंगे जो भी बोल लो। बस लेवल 9 तक ही खुला है, तो मेन मेन खाली जो है वही ओपन करूँगा जो मुझे ज़रूरी और ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो पहले अपने लिए बना लेता हूँ एक्स, आई मीन हैटेड हैचेड, अरे जो भी हो यार, एक्स से बना लेता हूँ, मैं एक्स ही बोलूँगा। ओके, तो ये हो गया। तो स्टोन फार्म करते हैं कैंप फायर के लिए। ओके, डन। अब बिल्ड करना है, तो यहाँ पे ये हो गया अपना कैंप फायर। अब पुटअप मैं सामने ही कर दूँगा, क्योंकि पास में ही कहीं ना कहीं डोडो होगा, क्योंकि इसके बाद डोडो ही को मारना है भाई। ये जो बेसिक आते हैं ना, जो स्टार्टर जो भी नया प्लेयर के लिए बहुत हेल्प है, पर जो खेल चुका होता है उसके लिए एकदम
बोरिंग चीज़ है, कंटाल आता करने में। तो चलते हैं डोडो के पास। ओके, मैप खोलने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे डोडो है, तो चलते हैं सीधा मार पीट के। क्या बोलूँ, ये रहा। तो चल बैठते मर गए भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच मरने के लिए, थोड़ा सा मीट दे दो। लो लो, स्टेमिना ही खत्म हो गया। भाई ये अभी तक का लो लेवल का है कि इसको, जो सामने करेक्टर भग रहा है ना, इसको एक डिप्लो भी मार के चला जाएगा। ले पीटा क्या। वैसे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें 1K तक जाना है अभी, और अभी हमारा 300 ही हुआ है। तो कुक होने देते हैं मीट को, फिर अपना यहीं पे छोटा सा प्यारा सा बेस बनाऊंगा, अराउंड 6 3x3x2 का बनाऊंगा, टोटल 6 फाउंडेशन का। ऐसे कुछ बना दूंगा थैच का, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं हम लोग कहाँ बेस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना लेता हूँ पहले अपने लिए कपड़ा, क्योंकि नंगू पंगू है, नंगू पंगू अच्छा नहीं लगेगा ये। तो अपने लिए थोड़ा सा और फाइबर चाहिए। फाइबर चाहिए इसके लिए, यहाँ पे फाइबर भर भर के रखा हुआ, पर मिलेगा नहीं जल्दी। ओके, तो शायद इतना काफ़ी होगा, ये और ले लेता थोड़ा सा। शायद अब बन जाएगा। हाँ, ये हो गया। और इसके लिए चाहिए हाइट, तो हाइट के लिए डोडो था एक और, उसको मारना पड़ेगा। मैंने ये कि डोडो देखा था। डोडो वेयर आर यू, डोडो वेयर आर यू, डोडो वेयर आर यू। भाई अभी यहीं पे घूम रहा था ये। ओ, सामने देखो मॉन्स्टर अब घूम रहा है। इसे मारूंगा नहीं, इसको मार दूंगा, उसको नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर आप मॉन्स्टर को टेम कर लेते हो तो आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा फार्मर बन जाएगा वो। वो आप उसे टेम करो, पैसिव टेम है, और मैं इसे अभी टेम करने वाला हूँ। वाह, नाइस, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बनाने की। हाँ, तो मैं बोल रहा था अगर आप इसे टेम कर लोगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपको ये स्टफ़ फार्म करके देगा, लाइक थैच, बेरी, वुड एंड फाइबर, जो कि स्टार्टिंग में ये मेन होते हैं। तो आपको ये काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में ला के देगा। आप इसे टेम करो और इनेबल वॉन्डरिंग कर दो, और इसे घूमने दो। ये घूम घूम कर पूरा कलेक्ट करेगा, और आप टाइम टाइम पे जाके निकाल लेना इसके इन्वेंट्री से। तो ये हमारा हो गया परस्यूट कंप्लीट, मिल गया रेड कलर का शूज़, काफ़ी अच्छा है कलर। तो अब हम लोग करते हैं अपना कार्यक्रम शुरू अपने बेस का। तो पहले हम लोग को ग्राइंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे वुड टाइज फाइबर और स्टोन चाहिए वो सब। तो मैं जल्दी से अपने काम में बिजी हो जाता हूँ और ख़त्म करता हूँ, जी ले लिया। ओके, लेट्स गो। मारो मारो मारो, यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने अपने लिए
थोड़ा सा सामान, आई मीन जितना चाहिए हमें उतना मैं बना चुका हूँ। तो मैं सिर्फ फाउंडेशन बनाऊँगा, 3000 3000, और वो लगा चुका हूँ। मैं अपना बेस यहीं बनाने वाला हूँ, छोटा सा बेस, ये इतना ही बड़ा रहेगा, इससे बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। और हमारे मेरा लेवलअप करने के लिए मैं ये सब बना रहा हूँ, मुझे अपना लेवलअप करना है। वाह वेरी नाइस, मुझे और लाना पड़ेगा, मैं लेके आता हूँ थोड़ा और। मुझे थोड़ा और चाहिए, वॉल चाहिए और गेट चाहिए, लेके आता हूँ मैं। ओके, तो मैं बना के ले आया हूँ और काफ़ी अंधेरा हो चुका है। ये हो गया यहाँ पे, वाह नहीं गया। ओके परफेक्ट, बना के लाया था मैं, खाली एक एक्स्ट्रा आ गया है, मैं इसके लिए लाया था, पर मैं भूल गया था कि मुझे ये भी गेट भी लगाना है। ओके, तो हमारा हो गया काम ख़त्म, अब बस खाली ऊपर का सीलिंग लगाना है, जो 6 सीलिंग चाहिए। ओके ऑल डन, फिनिश, ख़त्म, टाटा बाय बाय, जल्दी सुबह कर लेता हूँ मैं। ओके सुबह हो गई मामू, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने लिए स्टोरेज बॉक्स और थोड़ा और सामान रख लेता हूँ। ये रहा बोला स्पाई क्लास, ओके ये भी हो गया। मुझे चाहिए स्ट्रीमलाइट, और ये भी ओपन कर लेता हूँ, काम आएगा। गन पाउडर, और क्या, राफ्ट, नहीं राफ्ट नहीं खोलूँगा, ये ले लेता हूँ टूल्स। उसके लिए अभी लेवलअप चाहिए मुझे, लेवलअप करने के लिए आसान तरीका है, आप ग्राइंड करना शुरू कर दो। पहले मैं स्टोरेज बॉक्स बना लेता हूँ, जिससे कि मैं अपना सारा सामान इसमें ट्रांसफ़र करूँगा। मैं चलता हूँ स्टोन फार्म करने के लिए। ओके सब ट्रांसफ़र, ओ भाई, तो इसमें से ये हटाओ, ये भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, और ये भी निकाल लो, बाकी सब इसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और चलते हैं हम लोग स्टोन फार्म करने के लिए, मैं स्टोन फार्म करने के बाद मिलता हूँ आपसे, क्योंकि टाइम लगेगा। ओके, तो मैंने स्टोन फार्म किया, अब मुझे गिफ्ट में से मिल गया स्विथिंग बाम, वो भी 10x2 वाला। तो मैं सीधा जा रहा हूँ मॉस चॉप को टेम करने। ये मुझे मिला है इस गिफ्ट में से, आपको गिफ्ट मिलता रहता है हर एक घंटे पे, या 2-3 घंटे में मिलता रहता है गिफ्ट, तो इजी रहेगा टेम करने में। तो पहले मैं मेजोबेरी ले लेता हूँ, क्योंकि मेजोबेरी ही खाएगा, और मैं आपको दिखाता हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में। अगर आप नए प्लेयर हो तो आपको सामान चाहिए, आप 2-3 टेम कर लो और उन लोग को वेंटिंग पे छोड़ दो, और आप टाइम टू टाइम आके उसे लेते रहना। वाह एक ही में टेम हो गया यार, हमको पता होता तो मैं यूज ही नहीं करता सुथिंग माम। खैर, तो ये देखो लिया भी एक, इसे इन्वेंटरी में आ गया है सामान, दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसने ये कर लिया, अब अगर पेड़ के पास जाएगा तो वुड और थैच लेगा, थैच आपको ज़्यादा देगा, और बेरी फार्म करेगा तो आपको फाइबर काफ़ी ज़्यादा लेगा देगा। तो आप ऐसे 2 या 3 टेम कर लो और उन लोगों को छोड़ दो, और टाइम टू टाइम आके ये लोग से सामान लेते रहो लेते रहो, अपना बेस बनाते रहो, काफ़ी इजी है स्टार्टिंग के लिए। तो बस यही था आज के एपिसोड में, आज हम लोग क्या किए अपना, पहले क्या किए, पहले मैं मर गया फिर रैप्टर से, फिर फार्म किए, बेस बनाए, मोस्ट ऑफ कुछ टेम कर लिया। अब मैं अपने लिए थोड़ा सा एक फोर्ज बना लेता हूँ, जिससे कि मैं मेटल पिघला सकूँ, जो भी मैंने फार्म किया था ये। तो फोर्ज के लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा उसे, ये रहा फोर्ज हो गया, स्मिथी और मेटल का टूल्स।
और ये लार्ज टॉय बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। बस अब क्या क्या चाहिए मुझे इसके लिए, तो मेरे पास सब पड़े हुए हैं अभी। स्टोन हो गया, फ्लिंट, हाइड और वुड फॉर। डन, इसे मेल्ट करने के लिए डाल देता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि जल्दी आने वाला है, संडे तक आ जाएगा। और हाँ, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के एपिसोड बस यहीं तक, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।